गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग जीके पढ़ेंगे और जीके के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो साइंस होगा। साइंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ अनुवांशिक रोगों के बारे में। तो कुछ अनुवांशिक रोगों को जो याद करने का जो ट्रिक है वो है वही क्लिप। व से हो गया वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया और क्लिप है तो क्ली से क्लिनेफेल्टर और प से हो गया पटाऊ सिंड्रोम। यही जो है चार जो है अनुवांशिक रोगों के नाम है। उससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम। तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले प्रमुख रोगों के नाम है उसका जो ट्रिक है वो है सोना पे काम पाया। एक ही लाइन याद रखना है। तो सोना से हो गया सोने की बीमारी, पे से हो गया पेचिस, उसके बाद काम है तो का से कालाजार, मो से मलेरिया, उसके बाद पाया से पायरिया। तो यही जो है पांच प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम याद रखने के ट्रिक थे, सोना पे काम पाया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, के। इस विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसके भी ट्रिक है याद करने के। जैसे रथ एक टॉफी, एक लाइन याद रखना है, रथ एक टॉफी। तो अब क्या क्या आता है इसमें देखिए, र यहाँ पहले क्या है ए, तो एम हो गया र, र से रेटिनॉल विटामिन, बी से हो गया थ से थायमिन विटामिन, उसके बाद सी से हो गया ए से हो गया स्कार्बिक अम्ल, उसके बाद डी से हो गया क से हो गया कैल्सीफेरॉल विटामिन, उसके बाद टा से हो गया टोकोफेरॉल, उसके बाद फी तो के से हो गया फी यानी फिलिकोनोन। देश के रासायनिक नाम है। इस प्रकार हम पाते हैं विटामिन ए का नाम रेटिनॉल विटामिन, बी का नाम थायमिन विटामिन, विटामिन सी का नाम एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल विटामिन, उसके बाद विटामिन ई का नाम हो गया टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम हो गया फिलिक्वोनॉन। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम। तो कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम के लिए भी एक ट्रिक है। उसका ट्रिक है एक लाइन, गंजा दमाद खाए फ्रूट। इसमें देखते हैं तो गंजा से हो गया गंजापन की बीमारी, उसके बाद दमा तो दमा से हो गया दम्मा जो श्वास की संबंधी बीमारी होती है, उसके बाद बचा खा तो खास हो गया खाद मतलब खुजली जिसको खुजलाने वाला रोग, उसके बाद बचा ए से हो गया एथलीट। और यहाँ पे जो फ्रूट है ये सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है, फ्रूट यहाँ पे साइलेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पांचवें नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। जो प्रमुख जो मौलिक कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसके जो आविष्कारक थे उनके नाम, तो इसमें सिंपल याद रखिए पेन बराबर आरटीसी, पीईएन पेन बराबर आरटीसी। तो पी से प्रोटॉन और पी बराबर आर हो गया तो आर से हो गया रदरफोर्ड, ई से इलेक्ट्रॉन तो सेकेंड नंबर पर आ गया टी से थॉमसन, उसके बाद एन से न्यूट्रॉन तो यहाँ तीसरे नंबर पर आ गया सी से जेम्स चैडविक। तो यही आज विज्ञान से रिलेटेड जो है पांच क्वेश्चन थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।